प्रिय विद्यार्थियों, करेक्टिव्स ऑफ प्रीपोजिशंस के पार्ट फोर में मैंने आपको प्रीपोजिशंस का प्रयोग वर्ब के साथ सिखाया था। आज का टॉपिक करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स है। बच्चों, प्रीपोजिशन का प्रयोग एडजेक्टिव के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट, वी शुड बी केयरफुल अबाउट अवर हेल्थ। इस सेंटेंस में केयरफुल एडजेक्टिव है और उसके पश्चात अबाउट का प्रयोग हुआ है। किसी दूसरे प्रीपोजिशन का प्रयोग गलत होगा। इसी प्रकार से सी इज एनक्सियस अबाउट हर सन्स एजुकेशन। दूसरा है विद, ही इज बिजी विद हिज वर्क। बिजी एडजेक्टिव है और विद प्रीपोजिशन है, इसके साथ विद ही आएगा। आई एम नॉट पॉपुलर विद द स्टूडेंट्स। बच्चों, पॉपुलर एडजेक्टिव है और विद इसके साथ आएगा। द नेक्स्ट ऑफ, ही इज सर्टेन ऑफ हिज सक्सेस। सर्टेन एडजेक्टिव है और ऑफ प्रीपोजिशन है। इट इज गुड ऑफ यू टू हेल्प मी। गुड एडजेक्टिव है और ऑफ प्रीपोजिशन है। इन, ही इज एक्सपीरियंस्ड इन टीचिंग। बच्चों, एक्सपीरियंस्ड अपने आप में एडजेक्टिव है और इनका प्रयोग हुआ प्रीपोजिशन के रूप में। द ट्रेडर इज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। ऑनेस्ट एडजेक्टिव और इन उसके साथ प्रीपोजिशन है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो एलिजिबल एडजेक्टिव है और फॉर प्रीपोजिशन आया है। ग्रीन वेजिटेबल्स आर यूजफुल फॉर हेल्थ। यूजफुल एडजेक्टिव है, अंडरलाइन कर दिया है, फॉर प्रीपोजिशन है। और स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजूरियस एडजेक्टिव है और टू प्रीपोजिशन है। ही इज क्वाइट अलाइव टू हिज डेंजर। क्वाइट अलाइव एडजेक्टिव है और टू प्रीपोजिशन है। तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस विद एडजेक्टिव्स। यूज ऑफ अबाउट, वी शुड बी केयरफुल अबाउट अवर हेल्थ। She is anxious about her son's education. The next, with, he is busy with his work. I am not popular with the students. Of, he is certain of his success. It is good of you to help me. In, he is experienced in teaching. The trader is honest in his dealings. For, you are not eligible for this post. Green vegetables are useful for health. Smoking is injurious to health. He is quite alive to his danger. Dear students, all underlined words are adjectives and appropriate prepositions are used with them. The use of other prepositions with the adjectives, with the following adjectives will be wrong. So you should be careful about your studies for completions. Students, correct use of prepositions के इस वीडियो में अब हम correct use of prepositions with nouns का अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार से हमने प्रीपोजिशंस का प्रयोग एडजेक्टिव्स के साथ किया था, उसी प्रकार यूज ऑफ फॉर। ए मदर हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड। अफेक्शन नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है।
आई हैव नो एम्बिशन फॉर फॉर्चून. एम्बिशन नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है. सी हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट्स, मिठाइयां उसकी विशेष पसंद है. तो लाइकिंग नाउन है और फॉर प्रीपोजिशन है. उसके पश्चात ऑफ. हैव यू नो फियर ऑफ लॉ, फियर नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है. सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, प्राउड नाउन है. टुडे आई एम इन नीड ऑफ मनी, नीड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है. ऑन द लाइन फेल्ट पिटी ऑन माउस, द लाइन फेल्ट पिटी ऑन, द लाइन फेल्ट पिटी ऑन माउस. पिटी नाउन है. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, ओपिनियन नाउन है. उसके पश्चात ऑन प्रीपोजिशन है. देयर वाज ए लॉन्ग डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डायरी, ओपिनियन, डिस्कशन और पिटी, ये सब नाउन है. टू, प्लीज पे अटेंशन टू द सजेशंस. अटेंशन नाउन है, टू प्रीपोजिशन. लिमिट योर एक्सपेंडिचर टू योर मींस. हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. तो की और एक्सपेंडिचर और अटेंशन, ये सभी सभी नाउन्स हैं और इनके पश्चात टू प्रीपोजिशन है. तो इन दिस वे वी आर लर्निंग द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस विद नाउन्स. फर्स्ट फॉर, ए मदर हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हर चाइल्ड. आई हैव नो एम्बिशन फॉर फॉर्चून. सी हैज ग्रेट लाइकिंग फॉर स्वीट्स. द सेकेंड ऑफ. हैव यू नो फियर ऑफ लॉ. सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी. टुडे आई एम इन नीड ऑफ मनी. नेक्स्ट ऑन. द लाइन फेल्ट पिटी ऑन माउस. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस इशू. देयर वॉज ए लॉन्ग डिस्कशन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ डायरी. टू, प्लीज पे अटेंशन टू द सजेशंस. लिमिट योर एक्सपेंडिचर टू योर मींस. हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बिफोर द प्रीपोजिशन ऑल वर्ड्स आर नाउन्स सच एज अफेक्शन, एम्बिशन, लाइकिंग, फियर, प्राउड, नीड, पिटी, ओपिनियन, डिस्कशन, अटेंशन, एक्सपेंडिचर एंड की. बच्चों अब प्रीपोजिशंस के प्रयोग के बारे में कुछ अपवाद भी है. एक्सेप्शन, सम वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट प्रीपोजिशंस. कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, प्रीपोजिशन छिपा रहता है. वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं? द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट प्रीपोजिशंस. वो अटैक, ऑर्डर, ओबे, कंबेट, रिसेम्बल, इनफॉर्म, एकॉम्पनी, अफोर्ड, रेसिस्ट, रीच, असिस्ट, परवेड, बेनिफिट, प्रिशेट. उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ये इनकरेक्ट है. करेक्ट होगा इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान. प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा. ये जो प्रीपोजिशन है ऑन, ये नहीं प्रयोग किया जाएगा अटैक के साथ. और ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी, फॉर का प्रयोग नहीं होगा. वी शुड ओबे टू अवर पेरेंट्स, वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, टू का प्रयोग नहीं होगा. ये अपवाद है प्रीपोजिशंस के प्रयोग के संबंध में. माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस अबाउट द यूज ऑफ प्रीपोजिशंस. नोट, द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड विदाउट प्रीपोजिशंस. द वर्ब्स आर अटैक, ऑर्डर, ओबे, कंबेट, रिसेम्बल,
inform, accompany, afford, assist, reach, assist, prevent, benefit, present, etc. The following verbs are used without prepositions. For example, India attacked on Pakistan. Incorrect. India attacked Pakistan. Correct. He ordered for a cup of tea. Incorrect. He ordered a cup of tea. Correct. We should obey to our parents. Incorrect. We should obey our parents. Correct. In this way, I have completed the correct use of prepositions with exceptions. Thank you.